नमस्कार, हरियाणा की सुबह की खबरों में आपका स्वागत है। आप हरियाणा के किस जिले या तहसील से देख पा रहे हैं अपना और जिले का नाम जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपने तेज हरियाणा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, खबर पर कमेंट करें और शेयर करें। हरियाणा के हिसार में एक युवक के साथ 5.70 लाख रुपए की ठगी। ऐप के जरिए शेयर मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाले एक आम किरोड़ी वासी युवक नितेश शर्मा को साइबर ठगों ने मोटे मुनाफे का लालच देकर उसके साथ फ्रॉड किया। हैकर्स ने खुद को शेयर बाजार का ब्रोकर बताते हुए उसका खाता खुलवाने का झांसा देकर उसके साथ खेल किया। हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना क्षेत्र के गांव में युवक ने अपनी नाबालिग मंगेतर से 1.5 वर्ष तक शारीरिक संबंध बनाए और फिर शादी से मुकर गया। पुलिस ने अब पटियाला निवासी युवक और उसकी मां के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। हरियाणा के पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि फरवरी व मार्च माह में वह रिक्वेस्ट मोड में है और प्रदेश भर में घूमकर अधिकारियों को अनुरोध ही करेंगे, लेकिन अप्रैल माह में वे विजिलेंस साथ लेकर निकलेंगे। जहां भी कोताही मिली वहीं कार्रवाई के लिए विजिलेंस को रिकमेंड करेंगे। हरियाणा के जींद के सफेदो सदर थाना क्षेत्र के गांव के 5 वर्षीय बच्चे के साथ पशु व्यापारियों द्वारा कुकर्म करने का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपी पशु व्यापारी मौका से फरार हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। हरियाणा में आरोही मॉडल विद्यालयों में शैक्षिक गैर शैक्षिक पदों को लेकर चल रही भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से इन पदों पर नियुक्ति को लेकर जारी किया गया विज्ञापन वापस ले लिया गया है। करीब 2.5 साल पहले इनको लेकर लिखित परीक्षा तक हो चुकी थी। रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को इसका बड़ा झटका लगा है। हरियाणा के फतेहाबाद की नहर कॉलोनी में 27 वर्षीय युवती ने शुक्रवार को फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मरने से पहले युवती ने दीवार पर अपने परिवार के नाम भावुक संदेश लिखा, अपनी मौत का खुद को जिम्मेदार बताया। साथ ही युवती ने लिखा, मम्मी पापा अपना ध्यान रखना, लव यू, मैं फिर बेटी बनकर लौट आऊंगी। हरियाणा के सिरसा में एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक पुलिस कर्मचारी के बेटे को बरनाला रोड से 20 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया है। थाना सिविल लाइन में उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस उससे ड्रग्स के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है। हरियाणा के पानीपत जिले के मैनकाइंड कंपनी के MR से साइबर ठगों ने 1,05,000 की ठगी को अंजाम दिया। ठगों ने पेटीएम अधिकारी बनकर MR को चूना लगाया। इसकी शिकायत पीड़ित MR ने पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। हरियाणा के यमुनानगर के गांव नागल खंजूरी में कुछ समय से बंद पड़ी फ्लाई फैक्ट्री में चारों चोरों ने लाखों रुपए का सामान उड़ा दिया। पूरी घटना फैक्ट्री में लगे CCTV कैमरे में कैद होगी। हालांकि चोरों की नजर कैमरे पर पड़ी तो उन्होंने उसे तोड़ दिया। पुलिस ने CCTV की फुटेज लेकर चोरों की तलाश शुरू की है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस लिया जाए। कुछ एक मामले केंद्र की अनुमति मिलने के बाद वापस किए जा चुके हैं। उन्होंने पूर्व CM हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका काम हमेशा से झूठ की राजनीति का भ्रम फैलाना है, मगर BJP सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हरियाणा के फतेहाबाद में एक जिम ट्रेनर ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। कुछ महीनों पहले ही उसकी पत्नी से तलाक हुआ था, परेशान रहता था, बेटी भी उसके साथ रहती थी। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा वारिसों को सौंप दिया। हरियाणा के सिरसा में जनता भवन रोड स्थित अनाज मंडी के गांधी पार्क के निकट शुक्रवार को एक भ्रूण क्षत विक्षत स्थिति में बरामद हुआ है। भ्रूण को कुत्ते नोच रहे थे। आसपास के लोगों की नजर पड़ी तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने हॉस्पिटल में पहुंचाकर छानबीन शुरू की है। सिरसा में ही शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री और दिल्ली CM केजरीवाल का पुतला जलाया। कार्यकर्ता दिल्ली से युवती से हुए गैंगरेप को लेकर रोष जता रहे थे। कहा गया है कि पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देने से कुछ नहीं होने वाला, उनको न्याय दिलवाया जाए। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को निशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने रूट प्लान तैयार कर लिया है। उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रपोजल पर परिवहन विभाग ने 557 सरकारी बसों की व्यवस्था कर दी है, जो 479 रूटों पर दौड़ेगी। इन बसों के जरिए 35,807 छात्राओं को कॉलेज तक पहुँचाया जा सकेगा।
ग्रामीण एरिया में पंचायतों द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों का स्थानीय लोगों से ऑडिट करवाया जाएगा। वर्तमान में पंचायतें भंग है, इसलिए विकास कार्य अधिकारी द्वारा करवाए जा रहे हैं। अगर किसी काम में गड़बड़ी मिली तो अधिकारी से ही रिकवरी की जाएगी। ये कहना था हरियाणा के पंचायत विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का। करनाल में SS फार्म कर्ण विहार के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में गन्ना से भरी ट्रॉली की चपेट में आने से 12 वर्षीय आयुष की मौत हो गई। हरियाणा के पलवल में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने पति और 5 अन्य ससुरालजनों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया, वे किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हिसार जिले में गुरुवार देर रात हुए हादसे में एक युवक जिंदा जल गया। करीब 12 बजे एक बलेरो पेड़ से टकरा गई। टक्कर लगते ही गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी चला रहा युवक उसमें फंस गया, जिंदा जलकर उसकी मौत हो गई। वहीं गाड़ी की खिड़की खुल जाने से 4 बच्चे और एक महिला सुरक्षित बाहर निकल गए। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने गुरुग्राम में दे हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्क्स वेलफेयर बोर्ड की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भवन एवं निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को दी जा रही सुविधाओं में बढ़ोतरी एवं मौजूदा वक्त में दी जा रही सुविधाओं पर किस प्रकार सुधार किया जाए, इसको लेकर मंथन किया गया। हरियाणा के किसानों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने किसान आंदोलन में दर्ज किए गए सभी केस वापस लेने की कार्रवाई तेज कर दी है। केंद्र सरकार ने भी ये केस वापस लेने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना के कारण बिगड़ते हालातों के चलते सभी मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के फैसले में बड़ा संशोधन करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अब आधे जजों को फिजिकल सुनवाई करने के आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब कुल संख्या के आधे जज फिजिकली सुनवाई करेंगे। खेल से जीवन में अनुशासन आता है, तालमेल व टीम भावना से कार्य करने की समझ बढ़ती है, जहां हम जीत का आनंद ले सकते हैं। अब पुलिस कर्मचारियों में से ड्रा द्वारा चयनित महिला EHC सीमा व ESI अशोक कुमार को रिबन काटकर मनोरंजन कक्ष में प्रवेश करने का अवसर मिला। इस अवसर पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 109 में बृहस्पतिवार शाम एक बहुमंजिला आवासीय इमारत का एक हिस्सा गिरने से जहां 2 महिलाओं की मौत हो गई थी, वहीं पहली मंजिल पर फंसे एक व्यक्ति को शुक्रवार को सुरक्षित जीवित बाहर निकालने में कामयाबी मिली है। उन्हें इलाज के लिए मैक्स हॉस्पिटल में भेजा गया। DC निशांत कुमार यादव के नेतृत्व में मार्गदर्शन में NDRF और SDRF सिविल डिफेंस की टीमों ने 16 घंटे लगातार राहत व बचाव ऑपरेशन के बाद सफलता हासिल की।